नंबर टू, व्हाई डज अनीस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो? तो अनीस जंग उससे प्रॉमिस करती है कि हम अगर स्कूल खोल दें तो तुम पढ़ना चाहोगे, बट इट्स नॉट सो इजी वर्क, क्योंकि कोई भी स्कूल खोलने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, एंड वन मैन लोनली लोनली कैन नॉट डू सो। तो ये एक झूठा प्रॉमिस था। नंबर थ्री, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली? सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, बिल्कुल उससे अटैच्ड, उसकी बाउंड्री पर सिचुएटेड है, लेकिन ऑथर डिस्क्राइब्स इट एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली बिकॉज द लिविंग कंडीशन इन दिल्ली एंड सीमापुरी आर टोटली डिफरेंट। जहां दिल्ली में सारी सुविधाएं हैं, साफ साफ सफाई है, वहां सीमापुरी में बहुत गंदगी है, चारों तरफ गार्बेज का ढेर है। उसके अलावा जो छोटे छोटे टूटे फूटे घर बने हुए हैं, वहाँ बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में उन लोगों को रहना पड़ता है, कोई सुविधाएं वहां नहीं है, देर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर फैसिलिटी, वो कुछ भी वहां पर नहीं है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट सीमापुरी इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। नंबर फोर, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड? तो ऑथर ने जो कहा है कि गार्बेज ही उनके लिए सब कुछ है, बिकॉज उस गार्बेज की वजह से ही उनकी लिविंग चलती है, उसी में से सामान ढूंढ करके बेचने से उनको खाना मिलता है, और कभी कभी कुछ वैल्यूएबल चीजें भी उस गार्बेज में उनको मिल जाती हैं, जो उनके लिए एक सरप्राइज होती हैं, जो उनको बहुत खुशी देती है, और दैट इज वाई इट इज सेड दैट गार्बेज टू देम इज गोल्ड। नंबर फाइव, व्हाट डज द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज मीन्स? तो इस एक्सप्रेशन से ये बताया गया है कि उस बच्चे के लिए वो 1 रुपया भी बहुत वैल्यूएबल है, और उसको पा करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है, बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड उसको मिलता है। वाई साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? इसका आंसर मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ। देन वॉट इज मुकेश मुकेश एम्बिशन? कैन इट बी रियलाइज? तो उसका एम्बिशन है दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही वॉन्ट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार, एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मैकेनिक, और वो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो इफ ही गेट्स द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, द सपोर्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी, तो इट कैन बी रियलाइज्ड। यानी अगर कुछ प्रमुख लोग उसको सपोर्ट करें, जो समाज में सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पोजिशंस पर बैठे हुए हैं, एंड इफ ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज ड्रीम, इट कैन बी रियलाइज्ड। देन नेक्स्ट वन इज, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो? क्योंकि वो लोग इलिटरेट हैं, उनको लगता है कि हम पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं, तो ईश्वर ने हमें यही काम दिया है, हमारा खानदानी काम यही है, दैट इज वाई वी आर बाउंड टू डू इट। यानी कि हम इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा हमारे पूर्वजों ने यही काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यही काम करते आ रहे हैं, तो हमें ईश्वर ने इसी काम के लिए यहाँ भेजा है, एंड वी कैन नॉट ब्रोक ब्रेक दिस गॉड गिवन लाइनेज, खानदानी परंपरा को हम तोड़ नहीं सकते। देन
Describe the hazards of working in the glass bangle industries. तो बहुत हाई टेम्परेचर के फर्नेसेस वहां होते हैं, यानी बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ही डिम लाइट में उन लोगों को काम करना होता है, एंड उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी, आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है, तो जो उनकी आई साइट है वो बहुत जल्दी वीक हो जाती है, एंड मेनी ऑफ देम लूज देयर आई साइट, इवन पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं वो. देन इस तरह के डिंगी सेल्स में काम करने से उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है, एंड इट इज वेरी हजार्डस. जो धुआं है उसकी वजह से उनको, उनके लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं. तो हर तरह से वर्किंग इन सच एरियाज, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज इज हैजार्डस टू देयर हेल्थ. द नेक्स्ट वन इज शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज. व्हाट डज अनीस यंग इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये बात कही गई है ऑथर की ग्रैंड मदर के लिए, सॉरी मुकेश की ग्रैंड मदर के लिए. जो कहती है कि बरसों से वो लोग यही काम कर रहे हैं, बट एक वक्त पेट भर के भी खाना उन्होंने नहीं खाया है. दे कुड नॉट अर्न एनीथिंग, ना वो अपना घर प्रॉपरली बना सके, ना कभी पेट भर के खा सके, एंड इस बैंगल मेकिंग का काम करते करते उसकी जो आंखों की रोशनी है वो जा चुकी है, बट स्टिल शी इज वेयरिंग बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बिकॉज ये हमारे इंडियन सोसाइटी में सुहाग की निशानी होती है. तो एवरी मैरिड वुमेन ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर राइट्स. तो जब भी वो ऐसी कोशिश करते हैं, पहली बात तो उनके पास इतना पैसा नहीं है, सेकेंडली जो मिडिल मैन है यानी जो बिचौलिए हैं जो उनके बिजनेस को, उनके इस काम को कंट्रोल करते हैं, जिनसे कभी उनके फादर्स या फोर फादर्स ने जो ब्याज है उधार है वो लिया था पैसा, और उसमें उसका ब्याज चुकाते चुकाते, उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करते करते वो इतना फंस चुके होते हैं कि उनको उन लोगों के लिए काम करना पड़ता है, एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. और अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस के द्वारा उनको मारा जाता है या उनको जेल भेज दिया जाता है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि जो मिडिल मैन है वो उनको किसी ना किसी इल्जाम में फंसा देते हैं, एंड दे डू नॉट अलाउ देम टू डू एनीथिंग एल्स. सो हैव यू अंडरस्टूड?
the lesson properly? Anything you want to ask? कोई चीज है जो क्लियर नहीं हुई है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ. लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स, हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगल इंडस्ट्रीज, और दो जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दैट साहेब व्हाई साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एंड what happens when the bangle makers in Firozabad try to get organized for their rights, the two types of worlds mentioned by Anish Jung, and how child labor is a potential threat. Is it clear? Samajh mein aa gaya? Anything you want to ask? Yes. Is there any problem? Okay. Writing section or reading section में अगर कोई problem है, रेगुलरली कर रहे हो उसको? एज आई टोल यू, ओके. आप लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन आई? ओके. Yes, so there is no query, no problem. In the next class, we'll revise lesson number 5. जब यहाँ रिवीजन हो, एक बार दोबारा से पढ़ लो. स्टोरी मालूम होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग और क्रैमिंग द क्वेश्चन आंसर्स, जस्ट रीड द लेसन. अगर समझ में आ जाती है स्टोरी तो फिर यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द स्टोरी, फ्रॉम द लेसन. इज इट क्लियर? लेसन अच्छे से समझ में आ गया? अगर स्टोरी पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. सो खाली क्वेश्चन आंसर्स रटने के बजाय लेसन पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ रिवीजन हो गया, एक बार दोबारा से आपने इसकी रीडिंग लगा ली तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे. एंड एक बार फिर से जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको भी देख लिया करो, क्योंकि पैसेज में जब हार्ड वर्ड्स वो मीनिंग्स को ढूंढना होता है देन इट इज डिफिकल्ट. तो जितनी ज्यादा आपको ये वर्ड मीनिंग्स लर्न होंगे उतनी ही आपकी, जितनी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी राइटिंग स्किल होगी. Okay, goodbye then.
Bye, all of you. Read the lesson again and keep practicing the writing and reading section. Bye, all of you.